गाजियाबाद के लोनी में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने विधायक नंद किशोर गुर्जर पर हमला बोलते हुए बयान जारी किया था, जिसके बाद सर्व समाज के लोगों ने एकजुट होकर विधायक नंद किशोर गुर्जर के समर्थन खड़े दिखे हैं। आपको बता दें कि आक्रोशित सर्व समाज के लोगों ने कहा कि आपराधिक मुकदमों से बचने के लिए टिकैत झूठ बोल रहे हैं और वे विधायक नंद किशोर के साथ समाज को भी बदनाम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही लोगों ने राकेश टिकैत को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि विधायक को बदनाम करने और किसानों को झूठ बोलने के लिए देश से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना दादरी में 10 लाख लोगों के साथ ऐतिहासिक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। क्या इसने जैसा ऐसा लगता था कि गुर्जरों ने इसे पीटा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसे ऐसे बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं जो 1857 से लेकर 1947 तक के जंगों में, आज़ादी की लड़ाई में हमारा समाज सबसे बढ़ के आगे रहा। कितने आज भी हमारे इस क्षेत्र में 2-4 स्वतंत्रता सेनानी हैं जो सुभाष चंद्र बोस के साथ के हैं, आज भी जिंदे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस राकेश टिकैत का कि इसने एक ऐसे नौजवान विधायक पर जो हमारा यहाँ शान और आन है उस पर इतना घटिया आरोप लगाया और सरकार ने इसका संज्ञान लिया। सरकार ने जांच कराई तो वहाँ जांच साफ सुथरी पाई, कहीं भी नंद किशोर गुर्जर का नाम प्रतीत नहीं हुआ। क्योंकि मैं भी नेशनल टीवी देख रहा था, नेशनल टीवी वाले बार बार कह रहे थे कि नंद किशोर गुर्जर का यहाँ कहीं अता पता नहीं है। ढाई ढाई घंटे से वो बता रहे थे, मैं ढाई घंटे से सड़क पर घूम रहा हूँ, कई चैनल वाले, कहीं नहीं बताया गया। लेकिन इन्होंने रोकर और ये कहकर बहुत आहत किया और रोए, और रोने के बाद बैठ गए, जैसा कि अभी हमारे प्रधान जी ने भी बताया था दूसरे टीवी को कि इन्होंने कहा मुजफ्फरनगर से पानी लाओ, पानी पीऊँगा मुजफ्फरनगर। तो मुझे बड़ी अच्छी बात अभी प्रधान जी की लगी, उन्होंने कहा तो तू फिर तो उत्तर प्रदेश ही बात दिया है, फिर तो तू मुजफ्फरनगर का रह गया, तो हिंदुस्तान का कहाँ कहाँ किसान है? किसान की बात तो कहीं है ही नहीं। जब तू मुजफ्फरनगर से पानी मंगा कर पी रहा है तो किसान तो तेरा, जो आज हमारी बिरादरी का बहिष्कार कर रहे हैं मंत्रा के, तेरे पड़ोस में थे, उनसे पानी मंगा लेता, क्यों पानी मुजफ्फरनगर से मांगा? दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि जो हमारे विधायक पर आरोप लगे हैं, या तो नरेश टिकैत उन्हें तत्काल प्रभाव से वापिस माफी मांग कर वापिस ले, और अगर तत्काल प्रभाव से वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो ये बिरादरी सोएगी नहीं, ये बिरादरी जाग गई है। और आने वाले समय में बादलपुर गांव में कम से कम 10 लाख की सभा होगी, जिसमें सारी बिरादरी, क्योंकि इनसे सारी बिरादरी खिलाफ़ हैं, जो इन्होंने 26 तारीख को कृत किया है, ऐसा नहीं इनसे गुजरी खिलाफ़ है, इनसे समस्त बिरादरी खिलाफ़ है, यादव भी खिलाफ़ हैं, जाट भी खिलाफ़ है, ऐसा नहीं जाट खिलाफ़ नहीं है, जाट भी इनसे खिलाफ़ है, क्योंकि इनके कर्म को जाट जानता है, इनके कर्मों को जानता है कि मुजफ्फरनगर में क्या करते हैं। ये 267 बीघे के बोने वाले हो गए, 8 बीघे के बोने वाला था इसका पिता, 8 बीघे से 267 बीघे, 7 पेट्रोल पंप। मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों की जाँच हो और जाँच करके इन्हें तत्काल जेल में डाला जाए, और उस जेल में भी डाला जाए जो इन्होंने यहाँ दिल्ली में जो 9 मुकदमे हैं, ये कैसे बैठा है मुकदमे के बाद। प्रधान जी, जो लोनी में आप देख रहे हैं राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं नंद किशोर गुर्जर के कंधे पर रखकर मनोज धामा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कल लाइव भी आए थे, आपने देखा भी होगा। देखो ऐसा है, मैं एक बात बताऊँ आपको, ये जो मामला चल रहा है ये किसानों का कोई मामला नहीं है, ना किसानों उसको कोई लेना देना है। अपनी अपनी राजनीतिक, राकेश टिकैत भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहा है और मनोज धामा भी। हम पागल नहीं है, सब पता है। अब जब ये मुजफ्फरनगर में मामला है और मुजफ्फरनगर से यहाँ राकेश टिकैत बैठा आ गए, तो इसने 26 जनवरी को जब भी किसानों के नेता आए या देश के ये नारा लगावे, जय जवान जय किसान, आपने भी देखा होगा ये नारा लगाते हैं, वहाँ धरना प्रदर्शन करती भी जय जवान जय किसान, और जवानों की क्या दुर्दशा हुई है, हाथ पैर टूटे, मरने से मुश्किल बचे, वे किसम वे जवान किसके हैं? वे किसानों के बालक नहीं है क्या? वे हमारे सबके बालक नहीं है? उसमें क्या जाट, गुजर, त्यागी, यादव या मोहम्मदन या कोई ऐसी जाति है कि उसमें उन्हें उनके माथे पे लेकर रहे सब जवान ही है? इन्होंने क्या अगर 25-25, 30-30 फुट ऊँचे से कूद के नाले में अपनी जान बचाई उन लोगों ने, तो इन्हें
अगर इस तरीका का कोई मामला करना, जमीन तलाश करनी है अपने राजनीतिक, तो किसी बिरादरी पे आरोप ना लगावे, अनर्गल आरोप ना लगावे, किसी क्षेत्र के नुमाइंदे पे जो सम्मानित आदमी है, किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो, उस पर आरोप ना लगावे। ये अपनी राजनीतिक रोटी तलाश रहे हैं, वहीं तलाश ना रहे मुजफ्फरनगर में, इस तरीका का मामला थोड़ी है। रही अगर इस तरीका का मामला करते हैं तो भैया ये भोले भाले जो किसान हैं वो जाट जिन्हें रोए गाए गए इन्होंने बहका के बुला लिया, तो ये और बिरादरी की भी किसान है, सब इनके खिलाफ है 26 जनवरी से, और एकजुट हैं। अगर आने वाले समय में कोई बात होगी तो राकेश टिकैत ही अकेला रहेगा, समस्त बिरादरी उसमें जाट भी होगी, इनके खिलाफ खड़ी मिलाएंगी यहाँ पे। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।